आज मैं आपसे ना ये सब कुछ नहीं पूछूंगी, पता है आपको मेरा स्माइली फेस, मैं रोज़ हंसते हुए आपसे मिलती थी, लेकिन आज ना मुझे बड़ा दुख हो रहा है। रेगुलर रोज़ की तरह हम लोग सब, मतलब मेरा घर का वही काम, ब्लॉग बनाना, घर गृहस्थी सब कुछ चल रहा था, और दोपहर से ब्लॉग मतलब स्टार्ट हो चुका था। अचानक मैं बैठी थी थोड़ा सा सोफे पे, तो मैं देख रही थी कि मोबाइल, मतलब ऐसे ही कभी कभी होता ना यूट्यूब पे देखने लगते, थोड़ा सा समय मिल जाता है अपने लिए, तो बस देख ही रही थी, एकदम मेरी नज़र पड़ी कि सिद्धार्थ शुक्ला जी नहीं रहे। एकदम धक से हुआ कि अरे ऐसा कैसे हो सकता। मैं इनसे बोली, देखो ऐसा, देखो ये मतलब कैसे आ गया, ख़त्म हो गया क्या, सच में ख़त्म हो गया क्या? ये बोला नहीं नहीं फेक न्यूज है, तुमको ऐसा लग रहा है। फिर हम लोग अपना फिर से, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार फेक न्यूज़ भी आ जाती है, तो हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते। ऐसा बहुत लोगों के बारे में आया कि ये नहीं रहे वो नहीं रहे, ऐसे फेक न्यूज़ आ जाती, तो हमने भी फेक समझ के उसको दोपहर में ही, वही हमें लगता है 1-2 बजे का टाइम हो रहा होगा जब मैंने ये चीज़ देखी, फिर रख दिया फ़ोन, कोई टेंशन नहीं, फिर अपना रेगुलर सारे काम में लग गए हम लोग। उसके बाद फिर शाम को टीवी चला के 6-7 बजे हम लोग चाय पी रहे थे, बैठे टीवी के आगे ही होता है सारा काम ज़्यादातर, तो बस चाय पी रहे थे कि न्यूज़ उस पर आ रही है। मुझसे बोला अरे अरे देखो आके देखो, सच में वो ख़त्म हो गए हैं। एकदम ऐसे लगा पता नहीं क्या हो गया है। और मैं उनको तो मतलब कब से, 2010 में मेरी शादी हुई, 10-11 में मैं उनको देखती थी बालिका वधू में, मैं तब से उनको देखती थी। बस मैं कोई बहुत बड़ी उनकी फ़ैन नहीं, बहुत बड़ा कुछ वो नहीं, लेकिन हाँ ठीक, बहुत अच्छे एक्टर थे, अच्छा रोल प्ले करते थे। मैं बिग बॉस वगैरह भी नहीं देखती, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन मतलब एक एक्टर के रूप में वो अच्छे लगते थे। जैसे सुशांत जी हैं, वो भी चले गए तो पूरी पूरी दुनिया को ही बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इस तरह अगर यंग जाने लगेंगे तो सोचिए हमारे देश पर क्या गुजरेगी, और ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी, मतलब एक एक देखा जाए तो एक उनके लिए बहुत बड़ी वो है, खतरे की घंटी मान के चलिए। अगर आप सोचिए कितना उनकी 38 साल, मुझे लगता है 37-38 या 40 साल के अप्रॉक्स होंगे, फिक्स तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अब इस इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक होना एक, मतलब हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसका मतलब ये है कि हम अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या रख नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि खान पान चेंज हो रहा है सब चीज़ें। तो भगवान उनकी उनकी फैमिली को, भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें, और बहुत 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 ज़्यादा भगवान उनकी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। भगवान जहाँ भी वो गए हैं खुश रहें, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। आज मैं आपसे ये भी नहीं पूछूँगी कि आप कैसे हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा, न्यूज़ सभी लोग देखते हैं, सबको इस चीज़ का दुख हो रहा होगा जिस प्रकार मुझे दुख हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। जब सुशांत जी गए थे तब भी बहुत ज़्यादा एकदम पूरा दुनिया में तहलका हो गया था, और अभी भी मतलब सभी को दुख हो ही रहा है बहुत ज़्यादा। भगवान उनके उनके फैमिली, अब उनके माँ बाप, भाई बहन सब पे क्या बीतती होगी। लोग जब बिग बॉस चलता था ना, लोग बातें करते थे मेरे आसपास भी कि अरे वो शुक्ला तो बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले कर रहा है, इनकी ज़रूरत है कि हम अपने पूरी बॉडी का पूरा मतलब हेल्थ कॉन्शियस हमें रहना चाहिए। और आप देख रहे हैं किस तरह उनको बता रहे हैं, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, सच बताऊँ। मैं टीवी में भी देख ली ना, तब भी मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया है, लेकिन हो तो गया ही है, उस चीज़ को तो मानना ही पड़ेगा, क्या कर सकते, कुछ नहीं। चलिए मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को करूँगी एंड। इससे ज़्यादा कुछ बात करना समझ में नहीं आ रहा है, कुछ शब्द ही नहीं है क्या उनके लिए बोलें क्या ना बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान उनको बहुत 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 खुश रखें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और आप सब भी यही ईश्वर से प्रे करिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उनके फैमिली को बहुत शक्ति दें, उनको बहुत 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 सारा मतलब हमारे बीच में एक छाप। और अभी पता है फिर से जब बालिका वधू आया ना, तो हमारे दिलों में फिर से वो एक बार दौड़ गया। पहले हम लोग बालिका वधू देखकर भूल गए थे, लेकिन अभी फिर से बालिका वधू देखा ना, फिर से एकदम रिपीट हो गया कि अरे ये एक्टर ऐसे ही है। उस समय तो उनकी कम एज थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, 10 साल पहले 12 साल 21 चल रहा 10 साल 11 साल पहले। तो अभी तो वो फिर से हमारे दिलों में एक बार फिर से दौड़ गए थे सब। हम बड़ी खुशी से बालिका वधू 4 से 6 आता था, पूरा पर्टिकुलर टाइम से बैठ के देखते थे सब चीज़ें। तो
तो चलिए मैं वीडियो को करूंगी यहीं पर एंड, तब तक के लिए बाय।